तो अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर हम कर रहे थे 9th क्लास में। अब एक्सरसाइज हमारी आ जाती है 3.3। 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर -2.4, -1.1, -1.0, -3.-5 स्थित है। कार्तीय तल पे इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो ये बिंदु हमारे पास दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि x का मान क्या है, माइनस, और y का मान क्या है, प्लस। जब एक माइनस माइनस प्लस होता है तो ये किस चतुर्थांश में आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में। ये हमने किया था अभी पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे चतुर्थांश में। फिर x प्लस में है और y का मान एक माइनस में है, तो प्लस माइनस जब होता है तो ये किस में आते हैं, चौथे चतुर्थांश में। अब इसके अंदर जो y का मान है वो जीरो आ जाता है। जब y का मान जीरो आता है तो हमने अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो ये किस अक्ष के ऊपर आना चाहिए, x अक्ष के ऊपर आ जाएगा, ये x अक्ष पर, ये x अक्ष पर आ जाएगा -3, -1.0। ऐसे ही यदि हमें दिया हुआ है 1.2, दोनों प्लस में हैं, जब दोनों प्लस में होते हैं तो ये किस में आ जाएंगे, पहले चतुर्थांश में। माइनस माइनस, x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, दोनों माइनस में होते हैं तो ये किस में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में। तो ये तो हमने इनको बता दिया कि कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में आते हैं। अब हमें इसको ग्राफ के ऊपर शो करके दिखाना है, क्योंकि बोला गया है कार्तीय तल पे इसको निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ की लाइनें बना देते हैं। x यहाँ आ जाएगा x डैश, y और यहाँ आ जाएगा y डैश। जब ग्राफ की कॉपी पे इसको बनाओगे तो जो मोटी वाली लाइन होती है, जैसे ये मोटी लाइन होती है, इसके बीच में 9 लाइनें बारीक होती हैं, फिर 10वीं लाइन ये होती है, ऐसे ही एक लाइन ये होती है। तो जब ये वाली लाइन तुम बनाओगे, ये वाली, तो मोटी लाइन के ऊपर बनानी है, और जब ये लाइन बनाओगे तो वो इस मोटी लाइन के ऊपर ही बनानी है, जो बीच में बारीक लाइनें होती हैं उनके ऊपर इनको नहीं बनाओगे। तो ये ध्यान रखना है सभी ने, ग्राफ की कॉपी में बनाना है और मोटी लाइंस के ऊपर इनको बनाना है। यहाँ जीरो आ जाएगा। अब क्योंकि ग्राफ की कॉपी में नौ नौ कॉलम के बाद 10वें कॉलम के ऊपर फिर से मोटी लाइन होती है, तो सभी जो मोटी लाइंस हैं उनके ऊपर इस तरह से हम अंकों को शो करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। जीरो के यहाँ प्लस की संख्याएं हैं और जीरो के ऊपर साइड भी प्लस की संख्याएं हैं, तो ये एक्स अक्ष का ये वाला पार्ट और वाई अक्ष का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये दोनों धनात्मक अक्ष कहलाते हैं। ये माइनस की संख्याएं हैं, तो एक्स अक्ष का ये पार्ट और वाई अक्ष का ये पार्ट, ये ऋणात्मक अक्ष कहलाते हैं। तो हमने ग्राफ की लाइंस को बना दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हमने बना दिया। अब सबसे पहले -2.4 है, किस में आया था, ये दूसरे में। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 4, इसे हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे। अब एक्स के अक्ष के ऊपर -2 कहाँ है, ये हो गया। वाई अक्ष के ऊपर 4 हमें लेना है। अब वाई अक्ष के ऊपर 4 कहाँ है, देखो यहाँ है। ग्राफ की जो लाइन होगी हम स्केल और की सहायता से इस तरह से ये बिंदु दिखा देते हैं, इस पॉइंट की बिल्कुल सिधाई में स्केल लेंगे, ऐसे ऐसे रखा और इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। इसको इस तरह से दिखाना है,
इसके निर्देशांकों को लिख देंगे माइनस दो कोमा चार। तो माइनस दो कोमा चार का कौन सा पॉइंट है, पॉइंट लगा के हम ऐसे लिख देंगे ताकि पता लगे कि ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, माइनस दो कोमा चार। इसके बाद है तीन कोमा माइनस एक, इसमें आना है चौथे में, एक्स का बिंदु तीन और वाई का माइनस एक। अब एक्स अक्ष पे तीन कहाँ है, ये हो गया, वाई अक्ष पे माइनस एक कहाँ है, ये हो गया। तो ऐसे ऐसे स्केल रखा और इसकी सिधाई में मोटी लाइन के ऊपर ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये बिंदु आ जाएगा तीन कोमा माइनस एक। फिर है माइनस एक कोमा जीरो, ये एक्स अक्ष के ऊपर आएगा। अब ये एक्स अक्ष है, इसके ऊपर माइनस एक ये है, और जीरो के सामने एक्स अक्ष के ऊपर ही आना है तो माइनस एक के ऊपर आ जाएगा, माइनस एक कोमा जीरो। एक पे दो, एक्स का एक वाई का दो। अब एक्स का एक तो ये हो गया ये, और वाई अक्ष का दो ये हो गया, ये आ जाएगा यहाँ एक कोमा दो। माइनस तीन कोमा माइनस पाँच, तीसरे में आना चाहिए x की वैल्यू माइनस तीन, y की वैल्यू माइनस पाँच। अब x की वैल्यू माइनस तीन ये हो गई, और y की वैल्यू माइनस पाँच ये हो गई। स्केल की सहायता से मिलाएंगे, अब यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है ऐसे, इसको ऐसे राउंड कर लेंगे माइनस तीन पे माइनस पाँच। तो ये हमने इसको ग्राफ के ऊपर शो किया, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो इसे भी हमें ग्राफ पे शो करना है। बिंदु जो हमें दिए गए हैं इस तरह से एक टेबल बना करके दी गई है, एक्स वाई माइनस दो आठ माइनस एक सात, जीरो पर माइनस एक पॉइंट दो पाँच, एक पे तीन है, तीन पे माइनस एक है, इस तरह से ये दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इनको ग्राफ के ऊपर दिखाना है, माइनस दो आठ, एक्स का मान माइनस में वाई का मान प्लस में, तो माइनस प्लस कहाँ पर आता है ये हमें पता होना चाहिए, दूसरे निर्देशांक में दूसरे चतुर्थांश में आएगा। एक्स की वैल्यू माइनस दो, देखो एक्स अक्ष के ऊपर माइनस दो कहाँ है, ये हो गया। वाई का आठ, अब वाई अक्ष के ऊपर आठ कहाँ है, ये ऊपर हो गया। तो हम ऐसे स्केल रखेंगे माइनस दो, और इसके सामने स्केल की सहायता से हम ऐसे डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो यहाँ ये बिंदु आ जाता है माइनस दो पे आठ। इन लाइंस को मिटा भी सकते हो, सिर्फ यही ऐसे भी दिखा सकते हो। माइनस एक पे सात, अब माइनस एक ये है ग्राफ की लाइंस पे, लाइन तो बनी होती है, लाइन को इसको ड्रॉ करो चाहे मत करो। अगर लाइनों वाली कॉपी ले रहे हैं तो उसमें तो ये करना पड़ेगा, ग्राफ की कॉपी पे ये लाइंस को ड्रॉ करो चाहे मत करो, क्योंकि ये हमारे पास बनी होती हैं अपने आप। तो जैसे ग्राफ की कॉपी में बनाए हम, एक माइनस एक ये हो गया और सात ये हो गया, तो दोनों के सामने ग्राफ की लाइन में लाइन तो बनी ही होगी, और इसके सामने ऐसे आ जाएगा। अब यदि हम लाइंस को ड्रॉ करें तो ये बिंदु आ जाता है, इसका नाम है माइनस एक पे, इसके निर्देशांक है माइनस एक पे सात। इसके बाद है जीरो पे माइनस एक पॉइंट दो। अब एक्स की वैल्यू जीरो है, जब एक्स की वैल्यू जीरो होता है तो वो किसके ऊपर आना चाहिए, वाई अक्ष के ऊपर आना चाहिए, और किस बिंदु पे आएगा, वाई अक्ष के माइनस एक पॉइंट दो पाँच के ऊपर आएगा।
अब इसे हम कैसे शो करेंगे? इसको शो करने के लिए ध्यान रखना पेंसिल की जो नोक है बिल्कुल बारीक रखनी है हमने। अब x की वैल्यू तो जीरो हो गई, y अक्ष का माइनस की संख्या है, माइनस के नंबर ये नीचे आ गए। एक दो के बीच में क्या होता है? 1.5 होता है, डेढ़, यानी कि एक दो के बीच में डेढ़, 1.5 यानी 1.5। हमें शो कर क्या करना है, 1.25 यानी इस 0.5 का आधा। तो ये कहाँ जाएगा, एक और डेढ़ के बीच में यहाँ, यानी जो हमारी ग्राफ की कॉपी में सेकंड कॉलम होगा और थर्ड कॉलम होगा उन दोनों कॉलम्स के बीच में लगेगा, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जो होगी उसके बीच में। तो ये हो जाता है जीरो पे माइनस 1.25, जीरो के ऊपर हो गया, जीरो के सामने हो गया, तो वाई के माइनस 1.25 के ऊपर हो गया। तो इसको ध्यान रखना है, एक और डेढ़ लेंगे पहले, डेढ़ और एक के बीच में यहाँ आ जाएगा सवा, तो माइनस 1.25। आगे है एक पे तीन, दोनों प्लस में हैं, दोनों प्लस में तो यहाँ आ जाएंगे, एक ये हो गया और वाई का तीन ये हो गया, तो दोनों के सामने यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीन फिर माइनस एक, प्लस माइनस कौन से में आना चाहिए, चौथे चतुर्थांश में आएगा। x का तीन, x अक्ष का तीन ये हो गया, y का माइनस एक, y का माइनस एक ये हो गया, तो इन दोनों के सामने यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा तीन पर माइनस एक। तो ये हमें निर्देशांक दे रखे हैं, इनको हमें ग्राफ के ऊपर शो करना था, तो इसको ग्राफ की कॉपी पे बनाएंगे, सिंपल कॉपी पे नहीं बनाना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है।